हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 36 चे साइज़ के लिए सिंपल वाला फोर टक्स वाला ब्लाउज कट करेंगे, जिसको आप सादा ब्लाउज भी बोलते हैं, सिंपल ब्लाउज भी बोलते हैं। पहले इसकी फ़ैशन बहुत ज़्यादा थी, अब वापस से इसकी फ़ैशन है, तो बहुत से लोग बिल्कुल सादा ब्लाउज बनाना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से हम आज कटिंग करेंगे। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर हमने दो पेपर लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों भी अलग अलग कट करेंगे। इसके लिए मैंने दो पेपर लिए हैं, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो एक पेपर हम अलग रख लेंगे और सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए आपके ब्लाउज की जितनी भी हाइट है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर यहाँ पर मेजरमेंट को लेना है। तो सपोज अगर 14 इंच है तो 15 लेनी है, 15 है तो 16 लेनी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 16 इंच के लिए, ये पूरा सिलकर 15 इंच में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हाइट 16 इंच के लिए निशान लगा दिया है। अब आपको गले की चौड़ाई को यहाँ पर नापना है। गले की चौड़ाई आप 36 साइज़ के लिए 2.5 इंच के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2.75 इंच तक रख सकते हैं। और शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को हम यहाँ रखेंगे 3 इंच के लिए। आर्म होल को रखेंगे 6 इंच के लिए। आर्म होल का इस तरह से आपको निशान लगा देना है और स्केल की मदद से हम इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देंगे और यहाँ से भी आपको बिल्कुल सीधा रखना है। अब हम 36 साइज के लिए बना रहे हैं, तो 36 का आपको फोर्थ भाग लेना है, मतलब चौथा भाग। चार हिस्से करने हैं 36 के, तो यहाँ पर 9 इंच आता है 36 का चौथा भाग। तो 9 इंच के ऊपर एक मार्किंग करेंगे और इसमें आप 1.5 या 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ और यहाँ पर मैं 10.5 इंच मतलब 10.5 इंच के ऊपर निशान रख रही हूँ। ये जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया मैंने, ये एक्स्ट्रा है। अब हम नीचे की साइड में जहाँ पर हमने हाइट के लिए निशान लगाया था वहाँ पर हमको निशान लगाना है। यहाँ पर आप कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो देखो, ऊपर हमने जैसे 10.5 इंच लिया था तो यहाँ पर हम 1 इंच कम करके 9.5 इंच के लिए मार्क करेंगे। कमर की साइज जो होती है हमारी चेस्ट साइज से छोटी होती है, तो यहाँ पर हम इसको सीधा ज्वाइन करेंगे और यहां से आपको करना है इसको तिरछा ज्वाइन। अब फ्रेंड्स, यहां पर हम बैक साइड के लिए आर्म होल लगा रहे हैं, तो 1 इंच का निशान लगाएंगे अंदर की साइड में। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल है। पेपर को हल्का सा इस तरह से घुमाकर ले लेंगे और यहां हमको इस तरह गोलाई देनी है। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज कट करना है और यहां पर हम 3 पॉइंट मतलब 3 डॉट के लिए, 3 लाइंस के लिए इसको नीचे डाउन दे देंगे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कंधे गिरने का प्रॉब्लम है तो इस तरह से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको निशान लगाना है और अब आपने जैसे भी इसकी मार्किंग करी है ऐसे ही आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग कर दी है पूरे पार्ट की। जैसे हमने मार्किंग करी थी ऐसे ही हमने कटिंग करी है। अब हमको ये दूसरा वाला पेपर लेना है। अब हमको फ्रंट साइड के लिए मार्क करना है, तो इस तरह से दूसरा वाला पेपर यहाँ पर रख देंगे। अगर आप चाहे तो बैक साइड तक की जितनी भी मार्किंग हमने अभी करी है उतनी पूरी मार्किंग हमको यहाँ पर करनी है। आप चाहे तो वापस से एक बार मेजरमेंट लेके कट कर सकते हैं और चाहे तो जैसे ये वाला पार्ट है तो इस वाले पार्ट को आप पहले इस तरह से रख देंगे। देखिए, बराबर से रखना है आपको और हल्के हल्के हाथों से पेन से इसको साइड से हम इस तरह से जोड़ देंगे। बाद में आप इसको स्केल की मदद से सीधा कर सकते हैं। अब ये पेपर जो है बिल्कुल पतला वाला है तो मैं इसको एक्यूरेट नहीं कर पाऊंगी मार्किंग को, तो मैं हल्का हल्का हाथों से करूंगी और बाद में फिर मैं इसको ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हल्के हाथों से हमको यहाँ इस तरह से जोड़ना है और यहाँ से हमने जहाँ डाउन दिया है उस भी साइड को हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आप ये वाली साइड को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देंगे, इस वाली साइड को भी अच्छे से जोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको आर्म होल को एक बार वापस से गिनना जरूरी होता है क्योंकि हमको अब फ्रंट साइड का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखा था, तो यहाँ से भी हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने 3 इंच के लिए रखा, ये बराबर से यहाँ पर आएगा। यहाँ से नीचे आपको आर्म होल रखना है 6 इंच के लिए, जैसे आपने बैक में रखा था, और इस वाले साइड को भी हम अच्छे से जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड का आर्म होल है जो हमने पहले रखा था। अब फ्रंट साइड के लिए हम 1/2 इंच का मतलब 1/2 इंच का आर्म होल यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब पेपर को वापस से एक बार इस तरह से घुमाकर ले लेंगे और आर्म होल का जो राउंड शेप है वो हम यहाँ पर दे देंगे। ये अब हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल
ड्रॉ हो चुका है। अब हमको फ्रंट साइड के लिए निशान लगाना है, तो सबसे पहले हम आगे के गले का निशान लगाएंगे फ्रंट साइड का। तो यहाँ पर मैं आगे का गला रख रही हूँ 7 इंच। इसके बाद यहाँ से भी हमको 2.5 इंच अच्छे से गिन लेना है। कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है इस वाली साइड से, तो फिर उसका शेप जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से गिन लेंगे तो परफेक्ट नाप आपका निकल जाता है। अब यहाँ पर आपको 1/2 इंच के लिए अंदर, 1 इंच के लिए अंदर गिनना है, और यहाँ पर आपको राउंड शेप देना है। देखो आप चाहे तो कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं, ये नहीं है कि आपको राउंड शेप ही देना है, ठीक है, कोई भी शेप आप दे सकते हैं। अब इतना होने के बाद आपको साइड पट्टी लेनी है, जिसको आप क्रॉस पट्टी बोल सकते हैं, योग पट्टी बोल सकते हैं, बहुत से लोग बेल्ट साइड भी बोलते हैं। चलो ये वाली साइड हमको यहाँ से नापनी है, तो इस वाली साइड को मैं रख रही हूँ 3 इंच, देन दूसरी वाली साइड को मैं रख रही हूँ यहाँ पर 4 इंच, 4 इंच के लिए एक निशान 3 इंच के लिए भी यहाँ पर मैं लगा देती हूँ। अब जो 3 इंच के ऊपर हमने दोनों साइड से निशान लगाया है, इन दोनों निशान को हम सीधा पहले जोड़ देंगे। अभी हमारा 4 इंच वाला निशान ऐसा ही है, तो अब इस वाली पट्टी के ऊपर आपको इस तरह से टेप को रखना है, और यहाँ से आपको 3.5 के लिए मार्किंग करनी है 3.5 इंच के लिए। अब आपको 4 इंच वाला जो निशान है इसको इस तरह से गोलाई में जोड़ना है, इस वाले निशान तक जोड़ना है, जो हमने 3.5 का निशान लगाया है इस वाले निशान तक आपको जोड़ देना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड का जो बेल्ट पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब आपको मेन टक्स लगाना है। मेन टक्स लगाने के लिए फिर से इस लाइन के ऊपर टेप को इस तरह से रखेंगे और 4.5 मतलब 4.5 इंच के लिए एक मार्क करेंगे। इस मार्क को आपको इस तरह सीधा करना है, ये हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और टक्स पहला वाला। तो देखो इस तरह से आप इसको सीधा कर देंगे। अब आपको यहाँ पर 1.5 इंच का टक्स लेना है, तो 1.5 इंच का जो भी सेंटर पॉइंट आता है 1/4 इंच, तो उतना आप यहाँ पर ले लेंगे। 1.5 या 2 इंच तक आप इस टक्स को पूरा रख सकते हैं। चलो 2 इंच के लिए रखेंगे, थोड़ा सा आसान होगा बताना। तो 1 इंच जो होता है 1 इंच की लकीर, इसको आपको रखना है सेंटर में। 2 इंच के ऊपर एक मार्किंग करेंगे, एक यहाँ पर मार्किंग करेंगे 1 इंच के ऊपर, और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये हम 36 साइज के बना रहे हैं, तो हम 2 इंच ले रहे हैं। अगर साइज आगे बढ़ती है तो फिर ये 2.25 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक हो जाता है। जितनी भी आपकी चेस्ट साइज है उस हिसाब से टक्स जो है वो आगे बढ़ता है। अब दूसरा वाला टक्स हम इस वाली साइड से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 1.5 मतलब 1.5 इंच के लिए नीचे ले रही हूँ इस वाली साइड से। इस वाली साइड से मैं इसको ले रही हूँ 2 इंच के लिए नीचे, 2 इंचेस, ठीक है। यहाँ 2 निशान हमारे लग गए, मतलब 2 टक्स के हमारे निशान यहाँ पर लग चुके हैं। अब इस वाले पॉइंट के ऊपर 1 इंच को डिस्टेंस रखना है, 1 इंच का इतना मार्जिन लेना है, और 1 इंच के ऊपर यहाँ मार्किंग करनी है। दूसरा भी 1 इंच के ऊपर डिस्टेंस रखना है और यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब देखो आपको इन टक्स को अच्छे से जोड़ना है। ये देखो ये हमारे दोनों टक्स यहाँ पर बन गए हैं, और हमारा जो फोर्थ वाला टक्स है वो हमारे आर्म होल के अंदर से आता है। तो यहाँ पर आप टेप को रखेंगे और यहाँ से आप इसको 1 इंच का डिस्टेंस लगाएंगे। इसके बाद ये वाला हमारा चौथा टक्स यहाँ पर आ गया। इसके अंदर हमको कपड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, इसीलिए देखो मैं कपड़े का भी मेजरमेंट आपको दिखा दे रही हूँ। यही मार्क आपको ब्लाउज के ऊपर भी वापस से करने पड़ते हैं, ये नहीं है कि आपने पेपर के ऊपर कर दिए होगी, आप ब्लाउज के ऊपर आपको करने पड़ेंगे। आप जब भी ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे, ब्लाउज के ऊपर इसकी मार्किंग करेंगे, तो आपको फ्रंट साइड के लिए ये जो निशान है ये अस्तर के ऊपर वापस से लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं आपको डायरेक्टली ब्लाउज के ऊपर कटिंग बता दूंगी किसी अलग साइज के लिए, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगी कि आपको ब्लाउज के ऊपर इसको कैसे लगाना है। ये मैंने आपको 36 के लिए बताया, आगे मैं थोड़ी सी बड़ी साइज बताऊंगी आपके लिए, तो उसको मैं डायरेक्टली आपको कपड़े पर कट करके ही दिखाऊंगी। तो देखो यहाँ पर इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एडजस्ट करना है इन वाले टक्स के अंदर, ठीक है। और जो हमारा बड़ा वाला टक्स है उसको आपको पूरा लेना है 2 इंच के लिए, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ये जो 2 इंच के लिए टक्स लिया है इसको आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। जितना टक्स आपने लिया उतना ही फैब्रिक को आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है, और आप यहाँ से इसको 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई को, और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। जब ये टक्स आप फोल्ड करते हैं तो ये कपड़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए ये कपड़ा हम आगे और एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं।
क्योंकि ये कपड़ा यहाँ पर कम ना हो। बाद में अगर ब्लाउज़ में आपको कोई भी कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो फिर ज़्यादा हो जाने के बाद आप उसको कट कर सकते हैं, लेकिन कम हो जाता है तो आप उसको जोड़ नहीं सकते, इसीलिए ये वाला फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा रखना है। अब जितना भी मार्किंग हमने करी है उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले बेल्ट पार्ट को कट करेंगे। अब देखो ये वाला फैब्रिक जो है हम ये मार्जिन को इतना पूरा रखेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पर इस वाले मार्जिन को रखने का कोई फायदा नहीं है तो इसको कट कर देंगे, लेकिन ये वाला मार्जिन हमको इसके साथ ही रखना है और यहाँ से फिर ऊपर तिरछा कटिंग। देन ये हमारा पीछे वाला आर्मोल है तो इसको छोड़ देंगे हम, आगे वाला आर्मोल जो हमारा है इसको कट करेंगे। यहाँ से भी हमको तिरछा कट करना है और आगे का जो भी आपका गला होगा आप उसको भी अच्छे से राउंड शेप में, जैसे राउंड में है तो राउंड शेप में ही कट कर लेंगे इस तरह से। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने अपने चैनल पर बहुत से वीडियो आपको अपलोड करे हैं, आप किसी भी साइज के स्लीव्स के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया है। अभी हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसमें मैं स्लीव्स की कटिंग आपको नहीं बता रही हूँ, आप वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। मैंने हर साइज़ के लिए पैटर्न भी आपको अलग अलग डाल रखे हैं, अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो बिल्कुल आसान पैटर्न मैंने आपको मेरी हर वीडियो में डाले हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग को। तो यहाँ पर देखो बैक पार्ट हमारा कट हो गया है और फ्रंट पार्ट भी हमने अच्छे से कट कर लिया है। इस तरह से करोगे आपकी परफेक्ट कटिंग आएगी, कहीं से भी कोई गलती इसमें नहीं होती है। तो अभी हमने 36 साइज के लिए सिंपल वाले ब्लाउज की कटिंग करी है। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जरूर बता देना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।